दीर्घ है, एक दीर्घ है आरंभ, क्या दीर्घ है आरंभ, और एक दीर्घ है प्रारंभ, क्या दीर्घ है प्रारंभ। अब अपन इनको क्या करते हैं, अपन इन दोनों शब्दों को एक ही समझते हैं, दोनों का अर्थ एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। कैसे? आरंभ का मतलब होता है शुरू करना, आरंभ का अर्थ होता है शुरू करना, क्या करना, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ट। क्या करते हैं? स्टार्ट करना, अपन कहते हैं कोई भी काम करते स्टार्ट, इसका मतलब होता है पुनः शुरू करना, इसका अर्थ क्या होता है, पुनः शुरू करना होता है। जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, इसको कहते हैं स्टार्ट और इसको कहते हैं रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, क्या कहते हैं रीस्टार्ट। अब देखिएगा इसको, इसकी परिभाषा क्या होगी, अगर जैसे कोई भी काम, कोई भी काम प्रथमा अवस्था में शुरू किया जाता है, क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है, शुरू किया जाता है, जाता है, क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी कार्य, कोई भी कार्य रुका हुआ था, क्या था, रुका हुआ था, रुका हुआ था, उसे पुनः शुरू किया जाता है, पुनः शुरू किया जाता है, किया जाता है। बात समझ में आई? अब जैसे देखिए इसे उदाहरण के तौर पे अपन समझते हैं, क्या समझते हैं, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। राम ने आज नई दुकान को आरंभ किया, राम ने नई दुकान को आरंभ किया, मतलब अभी नई दुकान खोली है। अगर नई कोई करते हैं काम शुरू, तो लिखेंगे अपन आरंभ, क्या लिखेंगे आरंभ, वो ना प्रारंभ कब लिखेंगे, देखो इधर कोरोना के बाद, कोरोना के बाद राम ने पुनः दुकान प्रारंभ की है, की है। अगर अपन कोई भी कार्य थे, जैसे अपनी छुट्टियां होती है, स्कूल की छुट्टियां होती है ना, स्कूल की छुट्टियां होती है, छुट्टियों के बाद में वापस स्कूल स्टार्ट होती है, होती है नहीं होती, एक कोई जैसे अपनी नई नई क्लास होती है, स्टार्ट होती है नहीं होती, अपने जैसे प्रवेश लेते हैं अपन, पहली क्लास में लेते हैं, स्कूल में आते हैं अपन, तो वो होते प्रारंभ। इसलिए क्या कहना, पहले स्टार्ट की, नई नई स्टार्ट की, तो उसे बोलेंगे आरंभ, क्या बोलेंगे आरंभ। अगर कोई भी काम रुका हुआ था, क्या था, काम रुका, जैसे अपने गाँव की सड़कें बनती है ना, सड़कें बनती है ना, सड़कें बनती है, सड़कें बनती है, फिर बीच में रुक जाती है, क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्या हो जाती है, और काम बंद हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद में वापस उसको चालू करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, तो वहां आएगा प्रारंभ, क्या आएगा प्रारंभ। अगर कली जैसे चढ़क स्टार्ट की है तो आएगा आरंभ, नई स्टार्ट करते हैं तो आरंभ, वापस बंद हो गया था और उसको वापस चालू कर रहे, आधा काम हो गया था, आधा काम बाकी था, उसको वापस चालू करते, उसको बोलेंगे प्रारंभ। बात समझ में आ गई।